संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। साल 2020 के दर्श को ये देश कभी नहीं भूल पाएगा। बीते एक सालों में हमने कई अपनों को खोया है, कई शख्सियतें हमसे जुदा हुई, दूर हुई, और इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। और इस तरह से देखें तो इस पूरे साल को हम जिंदगी भर ताउम्र कभी नहीं भूल पाएंगे। कई तरह की योजनाएं चलाई गई, लेकिन शायद कुछ की टाइमिंग गलत निकली। मजदूरों को बेवक्त शहर से, घरों से बेदखल कर दिया गया और वो देश की वो तस्वीर पेश करने लगे जिसे हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। यहाँ दर्द की दास्तां भी दिखी, बेबसी की तस्वीर भी नजर आई और दिल दहलाने वाली कई कहानियां भी सामने आने लगी। कोरोना का असर इतना गहरा होगा किसी ने कभी सोचा भी न था। कोरोना का संक्रमण अब मौत में तब्दील हो रहा था, ऐसे में लोगों की जान पर बनाई। अस्पतालों में कहीं भी जगह नजर नहीं आ रहे थे, बेड की कमी साफ तौर पर दिख रही थी। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद जैसे कई बड़े शहर पूरी तरह इसकी चपेट में थे। कोरोना के साथ संघर्ष में हमारे कई वॉरियर्स भी हमसे जुदा हो गए, हम में से कई संक्रमित भी हुए। अगर आप समझ रहे हैं हम का तात्पर्य, तो हम आपको समझाएं कि हम पत्रकार, मीडिया कर्मी जो लगातार आप तक इससे जुड़ी तमाम खबरें पहुंचाते रहे, और इस दौरान हम में से कई साथी हमसे अलग हो गए, बावजूद इसके हम उसी मुस्तैदी के साथ जुटे रहे। होने लगा, लेकिन यहीं से कोरोना ने अपने पंख फैलाने शुरू कर दिए। चार महीने बाद लोग घरों से क्या निकले, सारे गाइडलाइंस की अनदेखी होने लगी।
लोग कोरोना को लेकर काफी सजग भी हो गए थे और शिक्षित भी। ऐसे में जिस डर के साए से वो गुजर रहे थे वो धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन ये डर उनकी भूख को मिटा तो दे रहा था लेकिन मौत के और करीब भी ले जा रहा था। अब तक कोरोना ने कई देश कई परिवार को तबाह कर दिया था। किसी ने अपना भाई खोया तो किसी ने अपना पिता। दर्द की अलग अलग दास्तान सुनने को आ रही थी। लोग अपनों से दूर होने लगे। ऐसे में रिश्तों में दरार दिखने लगी। पर्व त्योहार तो मानो सपने जैसा हो गया। दो गज की दूरी और मास्क लगाने की अहमियत लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगी। और जो ना समझे वो अपनी करतूत से पूरे समाज को शोषित करने लगे। पिछले कुछ महीनों से देश अनलॉक की राह पर है। ऐसे में कई जरूरी गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी था। कई बार स्थितियां भयावह हुई। पर्व त्योहार में उम्मीद से ज्यादा भीड़ देखी गई। लॉकडाउन का वो दौर था जब केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने की कोशिश कर रही थी। देश को एकजुट करने के लिए गीत लिखे जाने लगे। जो साथ देते सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा। बच्चे घर में बैठकर टिकटॉक का मजा लेने लगे। लेकिन धीरे धीरे इसका असर हमारे लाइफस्टाइल पर नजर आने लगा। आज भले ही 2020 विदा हो रहा है लेकिन ये साल कई दशकों तक हमारे दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। इस साल हमने क्या नहीं खोया? बच्चों का भविष्य से लेकर कई बेशकीमती हीरे हमने खोए। इस कोरोना काल ने कई सेक्टर को बुरी तरह प्रभावित किया। छोटे व्यापारियों का सब कुछ तबाह होता नजर आया तो मजदूर और छोटे नौकरी करने वाले लोगों को इस कोरोना काल ने बुरी तरह प्रभावित किया। लेकिन जिस क्षेत्र को कोरोना लगभग पूरी तरह तबाह कर चुका था वो था शिक्षा का क्षेत्र। बच्चे पूरी तरह घर में बंद हो गए। ऐसे में एक नई तकनीक ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की गई। बच्चे घर में रहकर टीचर से ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे। तकनीक नई थी लेकिन पढ़ाई का स्तर गिरता चला गया। कई परीक्षाएं रद्द कर दी गईं और कई छात्रों के सपने टूटते नजर आए। कोरोना काल में जारी लॉकडाउन और फिर अनलॉक में दो तस्वीरें उभर कर सामने आई। एक बड़ी तस्वीर सामने आई अयोध्या से, जहां दशकों का इंतजार समाप्त हुआ और राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। दूसरी बड़ी तस्वीर बॉलीवुड से आई, जहां पर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के मामले ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। एक तरफ देश लॉकडाउन और कोविड-19 के दौर से गुजर रहा था लेकिन इसी बीच 5 अगस्त का वो ऐतिहासिक दिन भी आया जब अयोध्या में दशकों के इंतजार के बाद राम जन्मभूमि में राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी गई। देश में बनने वाले सबसे बड़े राम मंदिर की नींव खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। पूरे देश में हर्ष का माहौल था और सभी वर्गों के लोगों ने इसका स्वागत किया।
दूसरी तरफ सुशांत सिंह के सुसाइड प्रकरण ने बॉलीवुड को हिला दिया। सुशांत के मर्डर की बात सामने आने लगी और इसके बाद सामने आया बॉलीवुड और ड्रग्स का वही पुराना रिश्ता। सुशांत और रिया मामले ने बॉलीवुड के कई सितारों को कटघरे में ला खड़ा किया। कोरोना के वैक्सीन का इंतजार साल भर रहा, कई कंपनियां कई दौर की टेस्टिंग करती चली गईं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि साल के शुरुआत में कोरोना का वैक्सीन बाजार में आ जाएगा, जिससे कुछ राहत जरूर मिलेगी। इस एक शब्द ने आज हमारी दिनचर्या ही बदल दी है। खाने का रूटीन, बाहर निकलने का तरीका, तो लोगों से मिलने जुलने का व्यवहार, सब कुछ बदल गया। क्या इस बदलाव की उम्मीद हम साल भर पहले कर रहे थे? हमें और कितने दिन इस बदलाव के साथ रहना पड़ेगा? क्या आजादी वाली वो जिंदगी हमें दोबारा मिलेगी? क्या ये वायरस एक आम वायरस का शक्ल ले सकेगा जिससे लोग लड़ने में सक्षम होंगे? हमारी उम्मीद है कि जिस 2020 का ये साल हमसे बहुत कुछ ले गया, कईयों को हमसे दूर कर दिया, लेकिन ऐसा साल सदियों में एक बार आता है। यही सोचकर सुकून कर ले कि हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहेगी और इन सब अभिशाप से दूर रहेगी। 2021 में वैक्सीन के रूप में हमें कोरोना से लड़ने की ताकत मिलेगी। आने वाले साल में एक उम्मीद रहेगी कि हमने जो कुछ खोया है उससे जल्द से जल्द उबर सके। जी हाँ, और 2020 के बाद जो नया साल आने वाला है, ये एक शुरुआत होगी विकास की। देश को एक ऐसे आयाम गढ़ने के लिए एक नया उमंग दे जाएगी, जिससे आप और हम सभी एक नई ऊर्जा के साथ नए साल का स्वागत करेंगे। और इसी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है, लॉकडाउन होने जा रहा है। साल 2020 भी गुजर गया, लेकिन कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ ये साल गुजरा हो कहना मुनासिब नहीं होगा। इसलिए भी नहीं क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि 2020 जैसा साल फिर से लौट कर आए, या फिर ऐसा साल कभी आया भी नहीं। ये साल अगर कुछ दे कर गया है तो वो सिर्फ दर्द की दास्तां है। जी हाँ, हम मुस्कुराकर हर साल आने वाले नए साल की तैयारी करते हैं और जाने वाले साल को विदा करते हैं, लेकिन इस साल स्वागत करने की वैसी कोई उत्साह ही नहीं दिखी, या फिर शायद कोई वजह नहीं, बस उम्मीद इस बात की कि आने वाला साल जो कुछ लेकर आएगा वो अच्छा होगा। आज से ठीक एक साल पहले सब कुछ सामान्य था, देश विकास की राह पकड़ चुका था। देश में मोदी सरकार के कामों की सफलताओं और नाकामियों की बातें की जा रही थी। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन की नई सरकार बनी थी। ऐसे में एक नई उम्मीद, एक नए हौसले के साथ देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा था। एनआरसी का मुद्दा देश में छाया हुआ था, पाकिस्तान एलओसी पर गोले दाग रहा था और भारत उसका जवाब भी दे रहा था।
लेकिन इसी होनी अनहोनी के बीच दुनिया में एक बेहद ही खतरनाक अनजान दुश्मन दस्तक देने को तैयार था। साल 2020 की कहानी मानो अंतहीन रही। हर दिन घटनाओं पर घटनाएं सामने आने लगी। हम ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर हो गए जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये पहला मौका था जब लोग इतने दिनों तक घरों में कैद रहे। स्कूल, सड़कें, बाजार, सभी जगह सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस मुस्तैदी के साथ सड़कों पर मौजूद रही और देश में एक अघोषित कर्फ्यू सा लग गया। एक ऐसा नाम जो साल भर पहले कईयों ने सुना भी नहीं होगा, एक ऐसा नाम जिसकी एक दस्तक ने हर घर को, हर देश को तबाह कर दिया। जी हाँ, कोरोना की दस्तक ने 2020 को अपनी चपेट में ले लिया था। दुनिया सन्नाटे में चली गई। ऐसा क्या हो गया कि लोग सहम गए? मौत मानो आपके पड़ोस में दस्तक दे रही हो और आप दरवाजे के अंदर अपने परिवार के साथ बंद हो। जी हाँ, कुछ इसी तरह का एहसास भारत सहित पूरे देश में देखा गया। कई नए शब्द इस बार जिंदगी में हमारे साथ जुड़ते चले गए। कोरोना, COVID-19, क्वारंटीन, आइसोलेशन, सैनिटाइजेशन, बहुत सारी चीजें और सबसे बढ़कर सबसे लोकप्रिय शब्द लॉकडाउन। और ये वो शब्द है जो हमारी जिंदगी से जुड़ते चले गए। ये वो दौर था, या यूं कहे ये वो दौर है जब हमें इस समय को सुरक्षित निकाल देना है, क्योंकि हमारी खुद की सुरक्षा हमारे अपने हाथों में है। कोरोना, लॉकडाउन, पैंडेमिक, कोविड जैसे कई शब्द हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। फरवरी के महीने में जब इस वायरस ने सबसे पहले चीन में हाहाकार मचाया तो किसी ने सोचा नहीं था कि भारत पर उसका इतना ज्यादा असर होगा कि सब कुछ थम जाएगा। भारत सरकार भी इस पर अलर्ट थी। जनता कर्फ्यू से शुरू हुआ ये अभियान ताली बजाओ, दीप जलाओ तक चलता रहा, लेकिन कोरोना की गति के आगे हम हारते नजर आए। 24 मार्च को पूरे देश में सिर्फ 4 घंटे के अल्टीमेटम के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया। इस तरह का तजुर्बा सबके लिए नया था। ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। घरों पर रहना किसी भी हिंदुस्तानी के लिए उसकी लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं रहा है। ऐसे में लोगों को घरों में बंद रखना एक नई पहल भी थी और एक नई चुनौती भी। धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ती गई, लोगों की जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी समाती गई। बाहर निकलने पर कोरोना का डर भी था तो रोजी रोटी चलाने की चिंता भी। देश में कोरोना का कहर अभी शुरू नहीं हुआ था, या यूं कहें कि अभी तो ट्रेलर भी नहीं दिखा था कि पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। इससे पहले कि लोगों को कुछ समझ में आता, कोरोना ने धीरे धीरे अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। सैकड़ों की संख्या हजारों में होने लगी और हजारों की संख्या लाखों में। अगर झारखंड की बात करें तो संक्रमण से ये भी अछूता नहीं रहा। हालांकि शुरुआत में इसकी रफ्तार धीमी रही, लेकिन धीरे धीरे राज्य के तमाम जिले इसकी चपेट में आ गए। भले ही देश के दूसरे राज्यों से मृत्यु दर यहाँ कम रही, लेकिन कई बार स्थिति यहाँ भयावह हो गई। झारखंड समेत देश के सभी महानगर इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके थे। लॉकडाउन का असर दिख रहा था, लोगों की दिनचर्या मुश्किल होती जा रही थी। व्यापार ठप हो गया था और देश की अर्थव्यवस्था अपने सबसे निम्न स्तर पर पहुंच चुकी थी।
लेकिन मेडिकल इमरजेंसी के दौर में शायद देश ने अर्थव्यवस्था से ऊपर सेहत को रखा। कोरोना का ये दंश अपने साथ कई उम्मीदों को धूमिल करता गया, कई सपने टूट गए तो कईयों के दिल की धड़कन रुक सी गई। 3 महीने तक देश बंद रहा, सड़कों पर सन्नाटा रहा, बाजार से लेकर खेत खलिहान तक एक अजीब सी मनहूसियत छाई हुई थी। भूख से बिलबिलाते बच्चे इस पूरी बेबसी की कहानी बयां कर रहे थे। सरकार अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रही थी। कोविड के इस दौर में झारखंड सरकार भी काफी सतर्क नजर आए। जहां एक तरफ मेडिकल सेंटर्स को, हेल्थ पॉइंट्स को दुरुस्त किया गया, वहीं दूसरी तरफ बेघर लोगों को भूखे ना मरने देने के लिए सरकार ने कई तरह की योजनाएं चलाई। एक समय ऐसा था जब संक्रमितों की बयार सी आने लगी। रांची के हिंदपीढ़ी को सील कर दिया गया, लोग अपने घरों में दुबक गए और उसी तरह बोकारो के कई क्षेत्र, पश्चिम सिंहभूम और रांची का शहरी क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। एक समय ऐसा था जब अनलॉक के दौर में एक दिन में 2000 से ज्यादा संक्रमितों की संख्या आने लगी। गांव में भी इसका असर दिखने लगा और अब लोग सहम गए थे, लेकिन रोजी रोटी का सवाल था। ऐसे में भीड़ सड़कों पर दिखने लगी। झारखंड सरकार भी गाइडलाइंस को पालन करने के लिए वचनबद्ध थी। ऐसे में जब सारे रास्ते बंद हुए तो लोग सड़क पर नजर आने लगे। बेघर और मजबूर करते तो क्या करते, हाथ फैलाने के सिवा कोई रास्ता बचा भी तो नहीं था। कईयों का बसा बसाया घर उजड़ गया तो महामारी के इस दौर में एक समय ऐसा लगा कि देश 20 साल पहले वाले दौर में चला गया है। आज जब अनलॉक का दौर पूरा हो चुका है और जनजीवन सामान्य दिख रहा है, वैसे में आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसे उभरने में सालों लग जाएंगे। संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है।